मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था। जी हां, हार्दिक ने रोहित शर्मा की जगह ली थी। उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल खिताब जिताए थे। हार्दिक को कप्तान बनाने का फैसला काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि स्टार ऑलराउंडर इंजरी के चलते क्रिकेट से काफी दूर है। हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने ट्रेंडिंग विंडो के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था। हार्दिक ने पिछले 2 आईपीएल सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी। अब हार्दिक पांड्या को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसमें ईएमआई मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हार्दिक इंजरी के चलते आईपीएल 2024 से बाहर रह सकते हैं। साथ ही उनका अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में भी खेलने की कोई संभावना नहीं है। बीसीसीआई के एक सूत्रों ने पीटीआई को बताया, हार्दिक की फिटनेस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। आईपीएल खत्म होने से पहले उनके उपलब्ध होने पर एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। जी हां, हार्दिक पांड्या का चोट से उभर नहीं पाना टीम इंडिया के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। सूर्य कुमार यादव पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं और उनके भी अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रहने की पूरी संभावना है। हार्दिक की अनुपस्थिति में सूर्य कुमार यादव ने ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तानी की थी। अब उन दोनों खिलाड़ियों के इंजरी के चलते रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान बाएं पैर के ठकने में चोट लगी थी और वो मुड़ गया था। इसके चलते हार्दिक को वर्ल्ड कप बीच में ही छोड़ना पड़ा था। साथ ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज को भी मिस करना पड़ा। यही नहीं, हार्दिक साउथ अफ्रीका टूर का भी हिस्सा नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी चैनल का अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें।